अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं खबरों की। कानपुर में महिला को चकमा देकर सामान पार करने वाले ऑटो चालक व उसके साथ ही एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिसके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। इस बारे में पुलिस कमिश्नरेट के DCP सेंट्रल RS गौतम ने बताया कि 5 जून 2024 को काकादेव निवासी स्वाति त्रिपाठी ने पुलिस को सूचना दी कि कानपुर सेंट्रल में एक ऑटो बुक करके अपने घर शास्त्री नगर गई थी। घर पहुंचते ही ऑटो सामान उतारते समय ऑटो चालक ऑटो लेकर फरार हो गया, जिसमें सूटकेस में सोने चांदी के आभूषण सहित 70,000 कैश और भी जरूरी सामान था। इस बारे में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी की घटना में इस्तेमाल किया हुआ ऑटो रिक्शा भी बरामद हुआ है। 5 जून 2024 को शताब्दी एक्सप्रेस से काकादेव का एक परिवार ई रिक्शा से अपने घर आया था। ई रिक्शा वाले ने उनका बैग चोरी कर लिया। उस बैग में उनका आभूषण और पैसा था। उक्त संबंध में पुलिस स्टेशन काकादेव में अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए SHO काकादेव और ACP स्वरूप नगर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो है चोरी गया माल हुआ। अमरोहा के थाना नोगावा सदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रामगंगा पोषक नहर में नहाने आया युवक अचानक पानी का तेज बहाव आने से डूब गया। बता दें कि युवक का नाम आरजू है, जो पानीपत से अमरोहा रिश्तेदारी में आया था। वहीं सूचना पर पहुंचे गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की पत्नी रिटायर्ड शिक्षिका जशोदा बहन मोदी बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद भाजपा नेत्री मंजू सिंह राठौर के आवास पर आगरा पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आगरा के यमुना के बीहड़ में भीषण आग लग गई। आग से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग 2 दिन में तेज हवा के साथ करीब 7 किलोमीटर एरिया में फैल गई है। आग लगने से पेड़ पौधे वनस्पति जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग व दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। झांसी में 3 साल पहले कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात हुए गोलीकांड को शायद ही कोई भूल पाए। गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर गोलियों की जोरदार बौछार हुई थी, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी तरह की घटना की एक बार जनपद झांसी में पुनरावृत्ति हो जाती अगर पुलिस पूरी तरह से सचेत न होती। झांसी पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इसमें पकड़ा गया एक आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है।
तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाया गया मौके पे, और उसमें एक भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा अपना जो लाइसेंस राइफल है उसको लेके उनका मकान के पीछे जो पूरा जंगल है उसमें छुप गया था। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय पुलिस को ऊपर फायरिंग किया था, जानलेवा हमला कर रहा था। जवाबी फायरिंग में उनको गोली लगी है, अभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया है। सुसंगत का दारों में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बिलग्राम कस्बे निवासी राहुल अपना ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। वो ई रिक्शा लेकर पीपल चौराहे से कोटा जा रहा था, तभी दो युवक सुफील और फैजान ने उसके ई रिक्शा को रोक लिया और जबरन बैठने की कोशिश करने लगे। जब चालक ने विरोध किया तो दोनों से झगड़ने लगे और इसी बीच फैजान ने राहुल की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। चाकू चलाने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया तो दोनों भाग गए। ई रिक्शा चालक को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, मामला थाना बिलग्राम अंतर्गत काजीपुरा का है, जहाँ पर से एक बच्चा राहुल राठौर जो की ई रिक्शा चलाते हैं, वो अपने ई रिक्शा के साथ पीपल चौराहे से कोर्ट जा रहे थे। तभी रास्ते में फैजान एवं सुफील उन्होंने बैठने की बात करी। इसमें राहुल इन दोनों के बीच जो है वाद विवाद की घटना घटित हो रही थी। उसी बीच फैजान ने राहुल के गले पे चाकू से वार कर दिया गया था। उनको तत्काल CSC ले जाया गया, जहां पर उनको बेहतर इलाज हो सदर अस्पताल भेज दिया गया था, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है। परिजनों की तहरीर लेकर उसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी वार्ड नंबर 4 में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। बता दें कि युवती घर से कल सुबह 10 बजे से लापता थी, जिसका शव एक प्राइवेट स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महुआ के मणिकपुर रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में दो अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें, पूरा मामला कबरे थाना क्षेत्र के अलीपुरा गाँव स्थित रेलवे ट्रैक का है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम कंजा चितावत में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे और जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में प्रमुख रूप से विगत 2 मार्च को हुई भयंकर ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मांगते हुए किसानों ने कहा, 2 मार्च को भयंकर ओलावृष्टि में हमारी रबी, चना, मटर, राई, गेहूँ, मसूर की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसका मुआवजा पाने के लिए आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लोकसभा चुनाव आ गए, चुनाव होने के बाद भी आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पंचायत में किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर हम लोगों को मुआवजा अविलंब नहीं दिया जाता है तो फिर तहसील मऊरानी का घेराव किया जाएगा। हमारे यहाँ 2 मार्च में इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई जिसमें पूरी फसलें नष्ट हो गई और उसमें हाशिया डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी ने कोई खेत काटा है, कुछ बचा ही नहीं था तो काय में काटती। और शासन की तरफ से कोई मुआवजा राशि नाम मात्र की राशि मिली और कम से कम 50% से ज़्यादा किसानों को तो कुछ मिला ही नहीं है। शासन ने वादा किया था कि 17,000 हेक्टेयर के हिसाब देंगे, लेकिन इसमें तो लागते ही भी नहीं करने, लेकिन उनने उसी हिसाब से पैसा नहीं दे पाया। कई किसान भी ऐसे हैं कि खाते में एक भी पैसा आया ही नहीं है। अगर इसी प्रकार की समस्या बन रही तो हम लोग तहसील में जाके तहसील का घेराव करेंगे, जब नहीं सुनी जाएगी शासन प्रशासन से तो चक्का जाम भी करेंगे। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के सरब दबी
कॉलोनी में अवैध खनन ने एक और जान ले ली। बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकली वकील की पत्नी शिक्षा मित्र को मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली ने रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें झमेटा तालाब से अवैध रूप से रात भर मिट्टी खनन कर ट्रालियों में भरकर लाई जा रही है, जिसकी शिकायत आसपास के लोगों ने एसडीएम से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झांसी में गरोठा थाना निवासी जीतू यादव पैदल मार्ग कुआ की ओर अपने गांव पसोरा जा रहा था, तब वो दुगेलिया स्टैंड के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ रामवीर सिंह और थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर के विकास खंड में जेसीबी से बांध काटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका ग्रामीणों के विरोध कर जेसीबी को रुकवाया, जिसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सदर एसडीएम ललित मिश्रा ने कहा कि सूचना मिली है, जेसीबी को रुकवा दिया गया है। बाराबंकी के थाना सफदरगंज व स्वैट टीम दादरठे का तिराहे के पास रात में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। वहीं गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 10,000 रुपये, नगद, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना सफदरगंज में आज तड़के स्वाट टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश का नाम ओम प्रकाश उर्फ ओपी है, जिस पर ऑलरेडी लूट के मामले में थाना बड्डूपुर से 20,000 रुपये का इनाम घोषित है। यह एक साथी बदमाश है, जिस पर लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। आज की मुठभेड़ में इसका एक साथी शादाब जो फरार हो गया, उसकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस शातिर लुटेरे अपराधी श्रावस्ती के थाना एकौना क्षेत्र के रामपुर बनकट में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली गहरी खाई में पलट गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। बता दें चालक मिट्टी खनन कर ईंट भट्टे पर ट्राली खाली कराकर वापस आ रहा था। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में हैदर अली एक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में लगाए गए कैंप में 91 बार रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल कायम की है। हैदर अली को 91 बार रक्तदान करने पर ADCMO डॉक्टर गुप्ता ने शील्ड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। बता दें कि हैदर अली 19 साल से रक्तदान करते आ रहे हैं। हैदर अली ने बताया कि उन्हें रक्तदान करना अच्छा लगता है और वो साल में 4 बार रक्तदान करते हैं। हैदर अली ने बताया कि उन्होंने इस बार 91 बार रक्तदान किया है। मेरा नाम हैदर अली है, मैं एक्टर, शायर और समाज सेवी हूँ और आज मैंने 51वीं बार रक्तदान दिवस पर रक्तदान किया है। ये एक नेक काम है, इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए और मुझे रक्तदान करने पर ADMO मैम और CMO सर ने शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ। अभी हाल में मुझे 50 बार रक्तदान करने पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद रशीद जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी और सत्येंद्र श्रीवास्तव जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जैन द्वारा सभी लोगों ने मिलकर मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देकर सम्मान किया था। देहरादून में भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी और मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भडानो को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पर पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से कई घटनाओं में संबंधित आभूषण और नकदी, इसके अलावा एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
जबकि दूसरा अभियुक्त फरार है जिसकी तलाश की जा रही है और गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा दूसरा मौके का फायदा उठा करके अंधेरे में भागने में सफल रहा। पुलिस टीम ने उसकी तलाश हेतु जगह जगह चेकिंग लगा रखी थी और कंबिंग की जा रही थी लगातार। उसी क्रम में थाना साहिबाबाद के रेलवे रोड एरिया में एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं।